शापी में आपका स्वागत है। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई और भारतवर्ष में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, तभी से हम देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि बाहर निकले तो कोरोना का डर कि कोरोना वायरस लग जाएगा, घर में बैठे तो रोज़गार नहीं है, भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तो एक तरफ पेट की भूख और बाहर निकलते हैं तो मौत का डर। इन दोनों पट्टों में चक्कियों में पिसते पिसते आखिर जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ तो लोग, ये दिहाड़ी मजदूर, ये प्रवासी मजदूर थक हार कर, क्योंकि उनके पास रोज़गार भी नहीं था, सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई बहुत अच्छा पैकेज उनको नहीं दिया जा रहा था, ना कोई माली सहायता की जा रही थी, ऐसे में थक हार कर वो अपने गाँव घर जाने के लिए मजबूर हो गए। हमने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि जो नेशनल हाईवेज हैं वो मजदूरों से भरे पड़े हुए थे, पैदल निकले हुए हैं लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, चले जा रहे हैं, पैरों में छाले हैं, थकन है, भूख भी है, प्यास भी है, लेकिन कोई उनका उनकी सुध लेने वाला नहीं। हमने देखा कि औरंगाबाद जाते समय रेल की पटरी पर 16 मजदूर सिर्फ इसलिए मर गए या उनकी मौत हो गई क्योंकि उस पटरी पर आराम करने लेट गए थे, उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सोना उनका आखिरी सोना होगा, कि उनकी आँख भी कभी नहीं खुल पाएगी। एक मालगाड़ी गुजरी और 16 के 16 मजदूर उस पटरी पर कटकर मर गए। हमने ये भी देखा कि ये जो हाईवेज पर जो मजदूर चले जा रहे थे, कई जगह उनकी ट्रक पलट गई, उनकी बसों को भी एक्सीडेंट हो गया, हादसे हुए जिसमें काफ़ी प्रवासी मजदूरों की मौत भी हो गई। ये भी खबरें आई कि बहुत से मजदूर भूखमरी का शिकार हो गए, भूखे थे, पैदल चले जा रहे हैं 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, अपने गांव घर पहुंचते पहुंचते भी उनकी मृत्यु हो गई। ये सब इंतहाई दुखद है, भारतवर्ष से याद रखें। लेकिन इन हालात के चलते भी हमने देखा कि सरकारों ने भी अपनी तरफ सहायता की, पूरी कोशिश की। महाराष्ट्र शासन की जो सरकार है, की सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने भी काफ़ी सराहनीय काम किया, ट्रेनों की शुरुआत की और उन्होंने भरपूर कोशिश की और उन्होंने अपील भी की मजदूरों से कि महाराष्ट्र आपका है, मुंबई आपकी है, आप इसे छोड़कर ना जाएं, हम जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल कर लेंगे, काबू पा लेंगे। लेकिन 1.5-2 महीने का अरसा या वक्त, समय छोटा समय नहीं होता है, उकता गए थे, रोज़गार नहीं, खाने को नहीं, बेरोज़गारी का आलम था, ये मजदूर पैदल ही चल पड़े थे। तो सरकारों की तरफ से कूपन बांटे जा रहे थे। हमारे पालघर के संवाददाता, जो हमारे वहाँ के विशेष संवाददाता है, वैभव पाटिल, ने एक वीडियो भेजी है, उस वीडियो में वहाँ के तहसीलदार साहब मजदूरों को लात से मारते हुए नज़र आ रहे हैं, थप्पड़ मारते हुए नज़र आ रहे हैं। उस वीडियो में बताया गया, जो हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार, वहाँ पर तहसीलदार साहब ने उन्हें कूपन देने के लिए, रेल का कूपन देने के लिए कॉल किया था। भारी संख्या में मजदूर वहाँ जमा हुए, अफरा तफरी मची, दोपहर की धूप थी, भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन ऐसे में उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए था, उनके दर्द को समझना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि तहसीलदार साहब अपना आपा खो बैठे और उन्होंने उन मजदूरों को थप्पड़ों से और लात से मारा। ये इंतहाई दुखद और निंदनीय घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक तरफ तो मजदूर भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, खर्च के पैसे नहीं हैं, अपने गाँव नहीं जा पा रहे हैं, उनका गुस्सा अपनी तरफ। लेकिन अगर हमारी जो सोसाइटी है या हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो इंतहाई दुखद है। पालघर की बहुत सी NGOs ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और उनका ये मानना है कि इनके खिलाफ़ जो वहाँ के तहसीलदार हैं सुनील शिंदे साहब, उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो मजदूर हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, हमारी संवेदनाएँ उनके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उनका इंतज़ाम हो और वो अपने गांव घर, अपने परिवार में पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह का जो दुखद वाकया हुआ है, ये दोबारा ना हो, इस तरह की घटना ना हो, हम ये भी आशा करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल एलान टाइम्स और शार्क टीवी। Come on, come on, come on.